कुछ वक्त पहले ही चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के साथ केंद्र सरकार को इजाजत दी थी कि वो 1 फरवरी को बजट पेश कर सकती है, जिसके बाद अब यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यूपी चुनाव तक बजट पेश न करने की अपील की है। अखिलेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अगर चुनाव से पहले बजट पेश होता है तो यूपी के लिए आप किसी योजना का ऐलान नहीं कर सकते, ऐसे में यूपी का बड़ा नुकसान होगा। चिट्ठी में लिखा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक बजट में 5 राज्यों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान नहीं किया जा सकता, ऐसे में यूपी में रहने वाली बड़ी आबादी इन विकास कार्यों से वंचित रह जाएगी, यहां के 20 करोड़ निवासियों के हितों पर असर पड़ेगा। चिट्ठी में अखिलेश यादव ने 2012 विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि 2012 में चुनावों से पहले भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने बजट को चुनावों के बाद टालने का निर्णय लिया था, ऐसे में आप भी बजट टाल दीजिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले 1 फरवरी को बजट पेश होना है, 4 फरवरी से पंजाब और गोवा में मतदान शुरू होना है और उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 5 राज्यों में 11 मार्च को नतीजे आएंगे। वैसे पिछले दिनों विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वो बजट टालने का आदेश दें। विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार बजट में लोक लुभावन घोषणाएं कर जनता का ध्यान भटका सकती है, लेकिन आयोग ने विपक्ष की मांग मानने से इनकार कर दिया था। देखते रहिए डीबी लाइव।